गुलबर्गा शहर के सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिकल लीडर जनाब अली मीनामदार का जन्मदिन काफी शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया गया है। शहर के आजादपुर रोड पर मौजूद अली मीनामदार के फार्म हाउस पर अदनान खान साहब, जहांगीर खान साहब और असलम मुंडेकार के अलावा दीगर खास दोस्तों की जानिब से 4 दिसंबर को ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। अली मीनामदार, अदनान खान, जहांगीर खान, असलम मुंडेकार और दीगर दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप है जहां सभी मिलकर एक दूसरे का जन्मदिन हो या दीगर कोई भी खास लम्हा हो एक गेट टुगेदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर इस तरह सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें शहर के कई जाने माने सियासी, गैर सियासी लीडर्स, दोस्त अहबाब और चाहने वाले शिरकत कर इस महफिल को कामयाब करते देखे गए हैं। और 4 दिसंबर को अली मीनामदार के जन्मदिन पर सभी दोस्तों ने खुशी का इजहार करते हुए अली मीनामदार के लिए लंबी उम्र की दुआएं दी हैं और सभी मेहमानों ने इस फ्रेंड ग्रुप की भी तारीफ कर हमेशा दोस्ती बरकरार रखने की गुजारिश की है। और आखिर में अली मीनामदार ने सभी दोस्त अहबाब का इस ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए शुक्रिया अदा कर खुशी का इजहार किया है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज अब्दुल अली मीनामदार का जन्मदिन था। अल्लाह तबारक ताला जो है इन्हें लंबी उम्र से नवाजे, सेहतियाब रखे, इनके घर वालों को भी जो है सेहतियाब रखे, खुश व खुर्रम रखे। जिस तरह से आज
ये समझना चाहिए कि हर जन्मदिन के मौके पे जो है हम बिल्कुल हमारी उम्र के एक पड़ाव पे जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, मौत के करीब हम पहुंच रहे हैं, उस तरह का एहसास भी रखते हुए जो है खारे कैर भी करते रहें। अल्लाह की खुशनीति के लिए जो है हम जो काम कर सकें वो करें, और मुझे उम्मीद है कि अब्दुल अलीम इनामदार जिस तरह से जो है इनके अंदर वो जोश व जज्बा है, यकीनन जो है वो गरीबों गुरबा के जो है दुआओं में वो शामिल हाल हैं, कार्य खैर करते रहते हैं, और उम्मीद भी ये की जानी चाहिए कि आगे भी इंशाल्लाह जो है वो इसी तरह से अपने जब भी वो जन्मदिन आए या जन्मदिन मनाए, साथ ही साथ अपने दोस्त व अहबाब के साथ साथ गरीब व गुरबाओं को भी अपने साथ लेके जो है उनको भी खुशी का एक मौका इनायत फरमाए। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं दिल की अमीर गहराइयों से अब्दुल अलीम इनामदार और उनके तमाम घर वालों को जो है तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद इनके जन्मदिन की नहीं, बल्कि मैं मुबारकबाद जो है वो इनके वो कामों से जो आज तक जो है वो बेपर्दा रहे हैं, जिस तरह से वो गरीब व गुरबाओं की मदद करते रहे हैं, उस कार्य खैर के लिए मैं इन्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक ताला जो इनके जोश व जज्बे को कबूल करे और इनकी मगफिरत अता फरमाए। आज बड़ी खुशी जो है ना मसरत महसूस हो रही है अब्दुल अलीम साहब का जो जन्मदिन है उस पर, और यह खुशी इसलिए है अब्दुल अलीम साहब हर खुशी हर लोग की खुशी में अपनी खुशी तलाश करते हैं और हर किसी को जो है ना अपने से जो है ना जोड़ कर बांध कर रखते हैं। अल्लाह की जितनी रहमत है उतनी खुशियों से जो है ना अब्दुल अलीम साहब को और उनकी फैमिली को जो है ना नवाजे, और जहाँ पर जितने भी हजरात हैं उन तमाम के घरों में जो है ना अल्लाह तबारक व तआला खुशी व खुर्रम जो है ना अता करे, और उसके हबीब के सदक़े में मैं जो भी जो है दुआएँ मांग रहा हूँ उन दुआओं को जो है ना अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे। और अब्दुल अलीम साहब को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से जो है ना मुबारकबाद देता हूँ, और असलम हुंडेकर साहब और अदनान भाई जो इस प्रोग्राम को जो है ना सजाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के भी जो है ना दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे और उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जहांगीर भाई को जो है ना मैं जब भी जहांगीर भाई को देखता हूँ तो दिल की गहराइयों से जो है ना खुशी जो है ना इजहार होती है। और अब्दुल अलीम साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो लोगों को जो है ना अपने से खरीब कर कर जो है ना लोगों के सुख व दुख में जो है ना हमेशा जो है ना साथ देते हैं। अल्लाह ये जज्बा हमेशा कायम रखे और हमारी दोस्ती को हमें अल्लाह हमेशा नजर बस से बचा और हमेशा कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे बड़े भाई अलीम इनामदार साहब के जन्मदिन के मौके पर उनके फार्म हाउस पे अदनान खान साहब, जहांगीर भाई, असलम हुंडेकार साहब, उनके तमाम भाई दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब लोगों ने मिलकर एक बेहतरीन अंदाज में उनका जन्मदिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। मैं इस मौके पे जनाब अलीम इनामदार साहब को दिल की अमीर गहराइयों से उनके जन्मदिन की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो कि अल्लाह इसी तरीके से उनकी उम्र, जैसे कि मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ अलीम भाई जैसे कि वैसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक और 20-40 साल अलीम भाई ऐसे ही रहेंगे मैं दुआ करते हो अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो आज जनाब अब्दुल अलीम इनामदार साहब का जन्मदिन है, इस मौके पर यहाँ पर शिरकत करके बड़ी मसरत हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से अदनान खान साहब हैं, असलम हुंडेकार साहब हैं, जहांगीर साहब हैं, ये तमाम लोगों का एक ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, एक दूसरे का जन्मदिन इसी तरह से ये लोग मनाते हैं। तो आज अदनान खान साहब, जहांगीर साहब और असलम हुंडेकार साहब और दीगर तमाम दोस्तों ने मिलकर अब्दुल अलीम इनामदार साहब का जन्मदिन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। तमाम यहाँ पर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स, दोस्त अहबाब और फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आए हैं, तमाम लोगों ने मिलकर अब्दुल अलीम इनामदार साहब के कारनामों को यहाँ पर आप लोगों के सामने अभी जाहिर किया। कई कारनामे ऐसे हैं, गरीबों की मदद करते हैं और सोशल इश्यूज़ पर भी बहुत सारे काम गुलबर्गा शहर में देखे गए हैं, और जिस तरह से तमाम लोगों ने यहाँ पर अब्दुल अलीम इनामदार साहब के जन्मदिन पर यहाँ पर शिरकत किए हैं, सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये इनके जो कारनामों को देखते हुए लोगों ने याद रखकर आज इनके जन्मदिन पर यहाँ पर शिरकत किए हैं। तो मैं फिर एक बार अब्दुल अलीम साहब को मुबारकबाद देते हुए इनकी दोस्ती की मिसाल को दीगर दोस्तों के लिए ये मिसाल है कि आप लोग भी अपने दोस्तों को इसी तरह से खुशियों में शामिल होकर जश्न मनाते रहिए। आज मेरे बड़े भाई अलीम इनामदार साहब के जन्मदिन के मौके पे आज तमाम उनके चाहने वाले यहाँ पर आकर उनको बर्थडे विश किए हैं। मैं तमाम लोगों के तरफ से मैं अब्दुल अलीम साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ जन्मदिन की, और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि इनकी उम्र दराज करे, और ये जो इन्होंने अभी अदनान खान साहब ने बताए कि ऐसे जो काम करें वो काम जो गरीब के लिए जो काम करें वो आज भी पर्दा है, हम उसको वैसे ही रखेंगे, क्योंकि बोलकर जाहिर करना
फिर वो काम ख़त्म हो जाता है। जो अल्लाह इनसे काम ले रहा है और गरीब का काम हो रहा है, हम इनसे यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सेहत से। आज जो है यहाँ परफार्म हाउस पे मेरे भाई और मेरे दोस्त तमाम लोगों ने, अदनान भाई, जहांगीर भाई, असलम भाई, हमारे अब्दुल करीम साहब, तमाम नसीर भाई, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल, पूरे जितने भी भाई, बड़े भाई और मेरे दोस्त, पूरे मिलके यहाँ पर फंक्शन ऑर्गेनाइज करे थे। मैं सब पूरे भाइयों का, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और यहाँ पर जितने भी शिरकत करे, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भाई ये लोग पूरे हम मेरे हक़ में दुआ करें, मेरे फैमिली के हक़ में दुआ करें और मेरे माँ बाप के हक़ में दुआ करें कि आने वाले दिनों में मैं जो है तमाम आवाम की खिदमत करके ये लोगों का, मेरे भाइयों का और मेरे दोस्तों का नाम रोशन करूँ।